पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने की के बारे में ज्ञात हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है। सभी जगह सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही हैं। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। ये एक में पूरी परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रश्न पत्र का भंडारण, फिर वहाँ से सेंटर पे पहुँचाना, यहाँ बच्चों को का आधार प्रमाणित करना और उसके बाद से सुचारू रूप से परीक्षा कराना। तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। शासन स्तर से और सभी अधिकारियों के स्तर से बार बार जिले के अधिकारियों को सभी चीज़ें बताई भी गई, ट्रेनिंग भी दी गई, उस कारण से ही परीक्षाएं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। बाहर के प्रदेशों से भी बच्चे आए हैं, वो भी परीक्षाएं दे रहे हैं और शासन तथा विभाग सुचितापूर्ण तरीके से और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत मेधावी बच्चों को लेने के लिए संकल्प है, जिनको आगे आने वाले 30-35 साल तक विभाग को सेवाएं देनी है और विभाग के साथ साथ जनता की सेवा करनी है। ऐसी स्थिति में जो लोग मेधावी हैं और मेधा का ही सम्मान किया जाएगा और जो लोग स्वस्थ कंपटीशन से इसमें आएंगे वो लोग विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। जहाँ जहाँ से भी ऐसी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं सभी जगह FIR की गई है और हम कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे वो विभाग के बाहर का व्यक्ति हो, चाहे विभाग के अंदर का व्यक्ति हो, किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो, हम लोग इस पे कार्रवाई करने में कोई हिचकेंगे नहीं। सर, भर्ती बोर्ड ने एक FIR हुसैनगंज में दर्ज कराई है, टेलीग्राम के कई चैनल के जरिए पेपर लीक होने की बेचने की बात से हमने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और मंत्री का भी उसमें नाम है। ये अभी तक कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक होने की कोई सूचना नहीं है। जो लोग भी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।